स्पॉट किया है एक कपल को, फॉरेन कपल को। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से आए हुए हैं वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ गोवा, जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो पैरामोटरिंग का जो एक्टिविटी है वो चालू है अभी तक यहाँ पे। और सबसे पहले आपको बता दें, ये जो वीडियो हो रहा है वो आपको एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस होगा कंटिन्यूसली। आपको जो नॉर्थ के जो बीचेस है 4 to 5 वो हम कवर करेंगे इस सीरीज़ में। तो ये पूरा सीरीज़ होगा, तो कुछ अलग होगा इस बार। तो आप बिल्कुल भी बने रहिएगा, नॉट ओनली इन दिस वीडियो, आपको कंटिन्यू चैनल पर बने रहना है और इंतज़ार करते रहना है। ये पूरे सीरीज़ का जो टोटल 5 वीडियोस होंगे, टोटल 5 बीचेस जो है नॉर्थ के वो हम कवर करेंगे इस सीरीज में। तो यहाँ पे तो आप देख सकते हो लहरें बहुत ही रफ हो गई है ऑलरेडी। और मैट डिपार्टमेंट की तरफ से जो शैक्स के लिए लास्ट डेडलाइन रहती है वो 31 मई तक थी, तो इस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा खाली पड़ा है, पूरा कुछ भी नहीं है। वो जो झाड़ नज़र आ रहा है पीछे, उसके आगे आपको रेस्टोरेंट जो है वो चालू है। लास्ट वीडियो में अगर आपने केरिम बीच का वीडियो मेरे चैनल पर देखा होगा तो आपने देखा होगा यहाँ पे पूरा आपको ये जो पीछे नज़र आ रहा है स्ट्रेच, तो यहाँ पे पूरा आपको शैक्स थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो उनके ही आई गेस ये जो बैम्बूज लगे हैं वो एक मार्किंग जैसे हैं, तो यहाँ तक थे ऑलमोस्ट। और यहाँ से नीचे से हम चल कर गए थे लास्ट जो केरिम बीच का वीडियो है उसमें। तो अभी आपको कैमरा टर्न करके यहाँ का जो पहले सीन है वो दिखाते हैं, यहाँ का नज़ारा जो है वो दिखाते हैं। तो चलिए फिर। सो गाइस, ये वो पूरे जगह है, ये वो मार्किंग है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे पूरा आपको शैक्स थे, तो ये पूरे शैक्स जो है वो निकाल दिए गए हैं। और जो पथरीला एरिया है वो वहाँ पे आगे है। और आप देख सकते हो कितने स्ट्रॉन्ग है व्यू, जो वेव्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस। और ऑलरेडी पानी रफ हो गया है, तो अभी ये देखिए ऊपर भी आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक वॉल जैसे बन गई है, थोड़ा आपको नजदीक से दिखा देते हैं। ये देखें, यहाँ पे एक वॉल जैसे बन गई है, तो ये वॉल के वजह से पानी और आगे नहीं आ रहा है, अदरवाइज पानी और आगे आ जाता। तो ये है केरिम बीच। तो पूरे झाड़ आप देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है गाइस यहाँ पे। और वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो तिराकोल फोर्ट है, तो एक फेरी क्रॉस करके उस साइड में जाना पड़ता है, तो वो भी प्रीवियस वीडियो में हमने बता दिया है आपको। तो वो वीडियो अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाकर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे है दिया हुआ है हमने। और ये यहाँ का फेमस रिलीजियस प्लेस आजोबा टेम्पल। और सामने आप देख सकते हो पैरामोटरिंग का जो एक्टिविटी है वो यहाँ पे होता है गाइस, तो पैरामोटरिंग का एक्टिविटी भी जारी है। इसे तो हवे की ज़रूरत रहती है, तो इस वजह से ये चालू है। इसका वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ सेन और कुछ लेना देना नहीं है, तो ये टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और ये जो आपको हिल नज़र आ रहा है, ये हिल के एग्जैक्टली पीछे आपको अरम्बोल स्वीट लेक है और अरम्बोल बीच है। सो गाइस, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही सूदिंग है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव्स है, और उसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवाएं भी चल रही है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। और यहाँ पे आपको क्राउड तो बिल्कुल भी कम है और पानी बिल्कुल भी क्लियर है, एकदम क्लियर है। अभी ऊपर भी आना शुरू हो गया है पानी, आप नोटिस कर सकते हो अगर आप गौर से देखेंगे तो। तो ये है केरिम बीच गाइस। तो जो मॉनसून, एक्चुअल मॉनसून जो है वो शुरू होने से पहले हमने सोचा कि ये जो नॉर्थ से पूरा बीचेस है वो कवर करे, तो इस वजह से हम जल्दी से अपनी बाइक स्टार्ट करके आ गए। और टाइम भी गाइस हुआ है अभी ऑलमोस्ट 1 PM, दोपहर के 1 बज रहे हैं। और धूप भी आप देख सकते हो एकदम खिली हुई है, ह्यूमिडिटी लेवल उतना नहीं है,
बट बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फीलिंग आ रहा है यहाँ पे। और क्राउड की बात करें गाइस, तो क्राउड यहाँ पे बिल्कुल भी ना के बराबर है। सिर्फ जो आसपास के लोग हैं वो अपनी गाड़ी उठाकर आ गए हैं यहाँ पे एंजॉय करने के लिए अपने फैमिलीज़ के साथ। तो ये आपको एक्सट्रीम नॉर्थ में पड़ता है, तो महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र जो है यहाँ पे बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ता है। तो आई गेस मैंने दो चार फैमिलीज देखी तो वो सब वहीं के लग रहे हैं। तो और रेस्टोरेंट जो है वो एकदम आगे है, वो आप देख सकते हो पीछे वो साइड में। और यहाँ पे जो पैरा मोटरिंग का एक्टिविटी है वो एक चालू है। तो ये है केरिम बीच, केरिम बीच का जून का सिचुएशन, जून का माहौल कैसा है। वो शिरपानी तो यहाँ तक भी आ गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी गीला हुआ है, तो पानी यहाँ तक आ गया है। तो अभी और भी स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं वेव्स, जैसे जैसे मॉनसून आएगा वैसे वैसे और स्ट्रॉन्ग होगा। और मॉनसून की बात करते हैं गाइस, मॉनसून जो है गोवा में थोड़ा डिले हो गया है, गोवा में ही नहीं सबसे पहले इंडिया में केरला में आता है, तो केरला में फर्स्ट वीक में ही आता है, बट देन अभी तक केरला में नहीं आए, तो नेक्स्ट 3 to 4 days में आ जाना चाहिए ऐसा मेट डिपार्टमेंट की तरफ से। तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ हो गया है, कल ही मैंने देखा था न्यूज़ में। तो ये हो गई बात मॉनसून की, तो गोवा में आने में और कपल ऑफ डेज या फिर 3 to 4 days लगेगा। तो ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आज है 6th of June, सो सिक्स बाई दिस टाइम एवरी ईयर तो आ जाता है गोवा में मॉनसून, बट दिस टाइम थोड़ा डिले हो गया, सो अनदर 4 to 5 days में आ जाएगा। तो लेट्स सी एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे तो उतनी उतना गर्मी नहीं लग रहा है उतना, क्योंकि यहाँ पे हवाएं चल रही है इस वजह से, बट देन नॉर्मली आप यहाँ पे घूमोगे फिरोगे तो इट्स प्रीटी हॉट एंड ह्यूमिड एज वेल। तो ये है गाइस केरिम बीच, तो हमने सोचा कि यहाँ पे कोई ना कोई मिलेगा, बट देन ना के बराबर है यहाँ पे लोग। सो गाइज फाइनली हमने स्पॉट किया है एक कपल को, फॉरेन कपल को। तो वैसे तो यहाँ पे क्राउड कुछ भी नहीं था, बट देन अभी फाइनली हमने एक कपल को स्पॉट किया है, वो अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं पानी की तरफ। और जो फॉरेन कपल था, फॉरेनर, वो यहाँ पे पानी में गया हुआ है और बहुत ही आगे चले गए हैं, और ये जो लाइफ गार्ड है वो उनको इंस्ट्रक्शन देने के लिए अभी जा रहे हैं, आप देख सकते हो। तो बहुत ही रफ है पानी और बट फिर भी ये लोग गए हुए हैं अंदर। सो अभी लेट्स सी उनके तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शन मिलता है शायद या नहीं। ओ, ये तो थम्सअप बोल रहे हैं, थम्सअप दिखा रहे हैं। सो ये कपल तो एंजॉय कर रहे हैं, तो एनीवेज लेट्स मूव ऑन। सो गाइज ये था केरिम बीच का प्रेजेंट सिचुएशन, तो कैसा क्या यहाँ पे माहौल है तो वो आप सभी ने देखा इस वीडियो में। तो कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और जो भी गोवा में आने वाले हैं गाइज, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली उन तक वीडियोज़ हमारे ज़रूर पहुँचाइएगा। आप कहीं पे भी मत जाइएगा गाइज, क्योंकि इस सीरीज़ का नेक्स्ट एपिसोड जो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है चैनल पर, तो बने रहिएगा। तब तक मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू सून।